हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद नजमूल और आप देख रहे हैं एमएम टेक्नोसॉफ्ट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे बीसीजी वैक्सीन जो कि कोविड-19 के पेशेंट को देने के लिए गवर्नमेंट की ओर से अप्रूवल मिल चुकी है। क्या इससे कोविड-19 की बीमारी ठीक हो सकती है और क्या एंटीबॉडी टेस्ट से कोविड-19 की बीमारी खत्म हो सकती है, कितना असर करेगा एंटीबॉडी टेस्ट अगर यहां लागू किया जाए, और बहुत सारे टेक न्यूज़ लेके आया हूं। तो दोस्तों, हर बार की तरह आपको रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जो इस चैनल में नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, टेक न्यूज़ टुडे के 9th एपिसोड में आपको स्वागत है। दोस्तों, आज का सबसे पहला अपडेट है बीसीजी वैक्सीन को लेकर। बीसीजी वैक्सीन को ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया की ओर से इजाजत दे दी गई है। 175% को दी जाएंगी 5 हॉस्पिटलों में। सबसे पहले ये बता दूं, बीसीजी वैक्सीन को डेवलप की गई थी टीबी की बीमारी के लिए। कुछ साल पहले टीबी की बीमारी से इंडिया में बहुत लोग एक्सपायर कर गए थे, इससे बहुत इंडिया को प्रॉब्लम झेलना पड़ा था। इसलिए बचपन में जो भी बच्चे पैदा होते हैं सबको बीसीजी टीका दिए जाते हैं। आपका यहाँ पे स्पॉट देखेंगे, कुछ स्पॉट रहेंगे, ये बीसीजी वैक्सीन का स्पॉट है, क्योंकि इससे और टीबी का बीमारी का खतरा रहता नहीं है। इसके वजह से इंडिया में टीबी की बीमारी खत्म हो गई थी। अब कोविड-19 पेशेंट को बीसीजी टीके देने का वजह ये है, बहुत सारे रिसर्च से ये पता चला है, जहाँ पे बचपन में टीके दिए जाते हैं बीसीजी के, जैसे कि इंडिया, ब्राजील, जापान, इन टाइप के कंट्री में देखिए कोविड-19 का असर कम है। आप वर्ल्डोमीटर में जाके चेक कर सकते हैं। और जहाँ पे बीसीजी टीके नहीं दिए जाते हैं, जैसे कि अमेरिका, इटाली, स्पेन, इन टाइप के कंट्रीज़ में असर बहुत ज़्यादा है। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से एक मिशन लिया गया है, जो कि इस बीसीजी टीके को कुछ हॉस्पिटल के स्टाफ और कुछ जो के पेशेंट हैं उनके फैमिली, उनको दे के देखा जाए, ताकि इसमें क्या असर होता है। अगर अच्छा रिजल्ट आए तो हमारे लिए अच्छी बात होगी। पंडित भगवत दयाल शर्मा पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रोहतक हरियाणा और कुछ हॉस्पिटल को मिला के जो कि परमिशन मिली हुई है बीसीजी वैक्सीन को, पेशेंट या मेडिकल स्टाफ या जो पेशेंट हैं उनके जो फैमिली लोगों को दे के इसको टेस्ट की जाएंगी, इसका रिपोर्ट जो मिलेंगी रिसर्च करने के बाद ये गवर्नमेंट को प्रोवाइड की जाएंगी। अगर इसमें सक्सेस मिलता है तो इसको यूज़ की जाएंगी कोविड-19 पेशेंट को देने के लिए। दोस्तों, ये सिर्फ इंडिया में नहीं, ऑस्ट्रेलिया, नेदरलैंड जैसे बड़े कंट्रीज में बीसीजी वैक्सीन को ऑलरेडी यूज की जा चुकी है, इसे पॉजिटिव रिजल्ट मिला है और टेस्टिंग अभी भी जारी है। इसी तरह अमेरिका के टेक्सास सिटी में A&M यूनिवर्सिटी की ओर से मांग की जा रही है बीसीजी वैक्सीन को अप्रूवल दिया जाए ह्यूमन ट्रायल्स के लिए, और ये बहुत जल्द ही ह्यूमन ट्रायल्स करने वाले हैं। दोस्तों, ये सुन के आपको खुशी मिलती होगी, क्योंकि इंडिया में मैक्सिमम लोग बीसीजी वैक्सीन ले चुके हैं। और बीसीजी वैक्सीन में बेसिकली होता क्या है, ये इम्यूनिटी को बढ़ा देता है, ये सबसे बड़ी अच्छी बात है। तो अब देखने वाली बात है कब तक और कैसे सक्सेस होती है, देखने वाली बात होगी। नेक्स्ट अपडेट है एंटीबॉडी टेस्टिंग किट को लेकर। दोस्तों, एंटीबॉडी टेस्टिंग किट को बनाए हैं एर्बा मनीम नेम की कंपनी, जिसके हेड मुंबई इंडिया से बिलोंग करते हैं, और इसको रिसर्च किए हैं इंडियन, यूएस, यूके के साइंटिस्ट मिलकर इसको रिसर्च किए हैं, और ये टेस्टिंग किट का नाम रखा गया है एलिसा किट। इस कंपनी की ओर से ये बोला जा रहा है इस किट को बनाने का वजह सिर्फ वही है, अभी जो टेस्ट हो रही है पीसीआर बेस्ड टेस्ट हो रही है, इसमें ज़्यादा खर्चा लगता है, ज़्यादा टाइम लगते हैं, इस वजह से प्रॉब्लम होता है। कुछ दिन पहले आप सुने होंगे रैपिड टेस्ट किट जो कि चाइना से इम्पोर्ट की गई थी, इसमें ज़्यादा जल्दी तो टेस्ट हो रहा था पर इसमें एक्यूरेसी सही नहीं थी, इसलिए इसको क्विट कर दी गई। पर इनके ओर से यह बोला जा रहा है इसमें 98% से 99% एक्यूरेसी रहेंगी। दोस्तों, इस कंपनी के एक किट से 100 टेस्ट कर सकते हैं। और इनके ओर से यह बोला जा रहा है बहुत ऐसे लोग हैं जिनको कोविड-19 की बीमारी ऑलरेडी हो गई है, इनका इम्यून सिस्टम तगड़ा है, इसलिए इनको पता नहीं चला है कि इनको कोविड-19 की बीमारी होकर खत्म हो गई है। पर एक बार अगर कोविड-19 की बीमारी होती है तो सेकेंड टाइम नहीं होगी, क्योंकि इनका इम्यून सिस्टम ऑलरेडी तगड़ा हो चुका है उसको फाइट करने के लिए। तो इनके ओर से यह बोला जा रहा है अगर सबको टेस्ट करके अगर पता कर लिया जाए कितने को होके ख़त्म हो गई हैं, तो उससे क्या होगा, जिनको होके ख़त्म हो गई है वो फ्री हो जाएंगे, वो अपना काम करने लगेंगे। ऐसे बहुत लोग निकलेंगे जिनको होके ख़त्म हो गया पर इनको अभी तक पता नहीं है, इससे ये फ़ायदा होंगी बहुत छटू हो जाएंगे, जो कि जिनको पता चल जाएगा और हमको होना ही नहीं है वो काम में लग जाएंगे, और बाकी के जो हैं उनको लॉकडाउन में रहना है या फिर वैक्सीन निकलना तक इंतजार करना है, देखने वाली बात होंगी। नेक्स्ट अपडेट है एयरटेल की ओर से। एयरटेल की ओर से एक अनाउंस की गई है, जो प्रीपेड यूज़र 349 के प्लान यूज़ कर रहे हैं उनको अमेज़न प्राइम की सब्सक्रिप्शन फ्री में दी जाएंगी, और जो पोस्ट पेड यूज़ करते हैं 499 के प्लान उनको अमेज़न प्राइम की सब्सक्रिप्शन भी फ्री में दी जाएंगी। और इससे ये फ़ायदा होगा लॉकडाउन के टाइम में आप मूवी वगैरह देख सकते हैं अमेज़न प्राइम से। नेक्स्ट अपडेट है जियो की ओर से। जियो का और एक शेयर बिक गया है, जो कि सिल्वर लेक यूएस की कंपनी उसको खरीदी है, जो कि 1.15% जियो का शेयर है और 5655.75
करोड़ के लागत से। जियो की ओर से यह बोला जा रहा है इस मनी को खर्च की जाएंगी टेक रिलेटेड एग्रीकल्चर एजुकेशन हेल्थ के ऊपर खर्च की जाएंगी और जैसे ऐप है जियो सेवन और जियो सिनेमा इस टाइप के ऐप्स में खर्च की जाएंगी। नेक्स्ट अपडेट है एप्पल की तरफ से। एप्पल की तरफ से आईफोन 12 जो बहुत जल्दी लॉन्च होने वाली है इसकी जो प्राइस है वो लीक हो गई है। जो बताया जा रहा है एप्पल 11 के जो प्राइस ज़्यादा था उस कंपैरिजन में एप्पल 12 की प्राइस थोड़ा कम होने वाली है। नज़र डालते हैं इसके प्राइस के ऊपर। जैसे कि एप्पल आईफोन 12 6.1 इंच ओलेड स्क्रीन विथ डुअल रियर कैमरा इसका प्राइस रहेगा 49,231 और सेकेंड 6.1 इंच ओलेड स्क्रीन विथ ट्रिपल रियर कैमरा एंड लाइडर सेंसर रहेगा इसका प्राइस रहेगा 75,754 अप्रोक्सीमेटली और जो टॉप मॉडल रहेंगी इसका 6.7 इंच ओलेड डिस्प्ले रहेगा ट्रिपल रियर कैमरा एंड लाइडर सेंसर रहेगा इसका जो प्राइस अप्रोक्सीमेटली होने वाली है 83,337 A14 चिप एंड 5G सपोर्टेड रहेगा। तो ये देखने वाली बात है कब तक लॉन्च करती है पुल की ओर से। नेक्स्ट अपडेट है Xiaomi के लेकर। Xiaomi के MI Band 5 जिसकी पिक्चर लीक हो गई है जो आप यहाँ देख सकते हैं उसकी इमेज और इसकी स्क्रीन होने वाली है 1.2 इंच और ये इंडिया में कमिंग वीक को लॉन्च हो सकती है। ये ऑफिशियली अनाउंस नहीं की गई है जो एक्सपेक्टेशन लगाया जा रहा है अब देखने वाली बात है लॉन्च होती है या लेट होती है। नेक्स्ट अपडेट है एप्पल की ओर से। एप्पल की ओर से ये बोला जा रहा है एप्पल वॉच 6 इस साल लास्ट तक लॉन्च होने वाली है। इसमें सबसे बड़ा जो फीचर्स है पल्स ऑक्सीमेट्री फीचर्स ये पहले में नहीं था ये अभी इसको नए इंक्लूड किया गया है। उसके साथ साथ हार्ट रेट मॉनिटरिंग रहेंगी स्लीप ट्रैकिंग फीचर्स रहेंगी इस टाइप के बहुत फीचर्स के साथ ये लॉन्च होने वाला है। ये फायदा वाली चीज़ है आप इसको चाहें तो परचेज करके पहन सकते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें शेयर करें और we'll be right back.